सबसे पहला पॉइंट, आपको नेट ई कहां निकालना है? आपको नेट ई यहां निकालना है, जहां निकालना है वहां चार्ज प्लस वन। सेकेंड रूल है, ये माइनस प्लस वन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ई की डायरेक्शन भी कहां होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। मैग्नीट्यूड ई का क्या होगा? 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई 5 square। कोई डाउट इसमें? ठीक है, माइनस सात प्लस वन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 7/5 square। ठीक हो गया यहां तक? तो इसमें से कौन बड़ा? डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमिनेटर सात बड़ा है 3 से, तो नेट ई की जो वैल्यू आएगी 1/4πε0 7/5 square -3/5 square टूवर्ड्स क्या लिखना है? राइट, क्योंकि राइट का वेक्टर बड़ा है, तो आंसर न्यूटन पर कूलम। यहां पुट कर लेना 9×10^9, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। दूसरा पॉइंट है, ई की वैल्यू आपको यहां निकालनी है। अब यहां जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन कर लेते हैं, ये 5 कूलम इस प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल, तो वेक्टर इधर बनेगा, तो ई की वैल्यू यहां बनेगी। तो ई का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है? 1/4πε0 5, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। ये प्लस 5 भी इसे क्या करेगा? रिपेल। तो मैग्नीट्यूड ई का सेम, एग्जैक्टली सेम रहेगा। ई एंड ई दो वेक्टर क्लियर है। फिर एक काम करें, एंगल ले लें थीटा एंड थीटा, एंगल ले लें और एक लाइन कुछ ऐसी ज्वाइन करें। अब क्या करें? ये थीटा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा और ये थीटा है, तो ये भी थीटा। ई के तो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, ई कॉस थीटा और दूसरा ई साइन थीटा। उसी तरीके से ये ई का पहला कॉम्पोनेंट क्या होगा? ई कॉस थीटा और ये क्या बनेगा? ई साइन थीटा। तो ये कॉम्पोनेंट आपस में कैंसल, नेट आंसर 2e sin θ। ई की वैल्यू हमारे पास है, साइन थीटा किसी भी ट्राइंगल से लगा देना, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एंगल्स बाई सिमेट्री इसमें सेम ही बनने हैं, थीटा थीटा सारे एंगल सेम ही है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करके दो कॉम्पोनेंट कैंसिल होंगे और दो कॉम्पोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, आपको ई वहाँ निकालना है उस पॉइंट पे, जहाँ ई निकालना है वहाँ प्लस वन। तो यहाँ पे जहाँ आपको ई निकालना है वहाँ इमेजिन करें कि चार्ज क्या पड़ा हुआ है? प्लस वन। तो ई यहाँ पे निकालना है, चार्ज इज प्लस वन। और ध्यान से देखना, ये -5 कूलम इस प्लस वन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो अगर फोर्स अट्रैक्टिव है, लेफ्ट की तरफ है, तो ई भी अट्रैक्टिव है, लेफ्ट की तरफ ही होगा। ई का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई, ये 7 है, ये 3 है, तो बचा हुआ कितना है? 4 मीटर है, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? तो -5 और इसके बीच में 4 मीटर की दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है +5 इस वन को क्या करेगा? रिपेल। तो वेक्टर कहाँ ड्रॉ करेंगे? राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ई का 1/4πε0 +5 divided by, ये 7 है, ये 3 है, कुल मिला के क्या हो गया? 10 का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू छोटी है, तो नेट ई की जो वैल्यू आएगी उसमें बड़ी वैल्यू लेफ्ट वाली है, यानी कि 5/4 का स्क्वायर -5/10 का स्क्वायर। तो टूवर्ड्स क्या कहाँ आंसर आएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट, न्यूटन पर कूलम में आंसर आएगा। दैट्स इट। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक?